तो गाइस बहुत लोगों ने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछा, सर भैया मुझे बताओ मैं मेरा करियर मशीन लर्निंग पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सारे जगह और सबसे बड़ा लिंक्डइन, सारे जगह से बहुत सारा मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना देते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ पहले क्या करना चाहिए ये नहीं बताऊंगा, इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आखिर एंड तक आपको क्या क्या चीज़ें पार्ट बाय पार्ट क्या क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए, सारे चीज़ मैं इस वीडियो को आपको पूरा से पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो पूरा एंड तक देखो। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल है कि आपको पहले क्या करना चाहिए, तो आखिर इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिए, देखते रहिए और वीडियो का एंड में मिलता हूँ आपसे। सो गाइस मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से पूरा एंड तक बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सो एट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कोर्स से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आपका करियर स्टार्ट करने से पहले आप एक अच्छा सा मशीन लर्निंग का बेसिक कोर्स कर ले, उसके बाद आप कोई एडवांस कोर्स से जा सकते हो, क्योंकि गाइस मशीन लर्निंग का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। तो मैं आपको एक अच्छा कोर्स सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है कि यूडेमी का, यूडेमी में है वो कोर्स। वो कोर्स का नेम है मशीन लर्निंग ए टू जेड, जो कि हेडलिंग, डेपोंटर्स एंड किरिल दोनों इंस्ट्रक्टर आपको मिलेगा, और आपको ये दो इंस्ट्रक्टर सबसे अच्छे से और बेस्ट आपको ट्यूशन देगा पूरा मशीन लर्निंग का। ये कोर्स करने के बाद आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है, ठीक है? ये पहले आपको पहला स्टेप पे ये करना चाहिए। दूसरा वाला गाइस मैं जो आपको बताऊंगा वो है, ये कोर्स के साथ साथ आप कर सकते हो या ये कोर्स के बाद भी आप कर सकते हो। मैं आपको जो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये कोर्स के साथ ही करें, वो है कि बेसिक पाइथन सीखना आप स्टार्ट कर दे, उसके साथ साथ कुछ कुछ लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडास, साइकिटलान, टेंसर फ्लो, केरास, ये सारे लाइब्रेरीज आप ये इस कोर्स के साथ आपको, मतलब ये कोर्स के जो आपने सीखोगे इसमें आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तो इसको प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको ये बेसिक सा लाइब्रेरीज आपको यानी चाहिए, मतलब आप कर सकते हो ये लाइब्रेरीज इस्तेमाल। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस कोर्स के साथ साथ भी आप इसको सीखना स्टार्ट कर दे। और गाइस ये जो तीसरा वाला जो स्टेप है, यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना होगा, पढ़ना मतलब अब इस कोर्स के बाद, ये कोर्स सक्सेसफुली ख़त्म होने के बाद आप थोड़ा मैथमेटिकल का कुछ चीज़, मतलब मैथमेटिक्स का कुछ चीज़ आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, वो है प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बाद में जब एडवांस मशीन लर्निंग कोर्स पे जब आप जाओगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तीनों मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि, और उसके साथ साथ रिकमेंड भी करूँगा कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद एज वेल एज आप जैसे पाइथन कभी इंट्यूशन ले रहे हो, इसके साथ साथ ये मैथमेटिक्स चीज़ें आपको क्लियर आनी चाहिए। और उससे भी अच्छा होगा अगर आपको अब जो ये मैथमेटिक्स चीज़ वो पाइथन पे यूज़ करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आपको बाद में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगा गाइस। और गाइस सेकेंड वाला, मतलब सेकेंड वाला जो कोर्स के बारे में मैं बताऊँगा आपको, वो कोर्स आपको मैथमेटिक्स सीखने के बाद ही करना है। वो कोर्स है कोर्सेरा का, एक बहुत ही खास और बहुत ही एडवांस कोर्स है, वो है एंड्रयू एन जी, जो कि गॉडफादर ऑफ मशीन लर्निंग जिसको बोला जाता है, उसका ही कोर्स है। कोर्स का नेम है मशीन लर्निंग, आपको कोर्सेरा में ये कोर्स मिल जाएगा। गाइस ये कोर्स का जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपका मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देन आप ये कोर्स कर सकते हो, और अगर आपको ये कोर्स का ट्रेलर आपको अच्छा नहीं लगा, क्यों अच्छा नहीं लगता, देन आपको दूसरा मैंने कोर्स सजेस्ट करूँगा। देखो गाइस ये जो एंड्रयू एन जी का जो कोर्स है ये थोड़ा एडवांस है, अगर आपको इसका कोर्स कुछ समझ में नहीं आ गया देन आपको मैं दूसरा कोर्स सजेस्ट कर सकता हूँ। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इसका कोर्स का प्राइस 18,000 to 20,000 के तक आपको पड़ेगा। ये कोर्स है अप्लाइड AI का, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट कोर्स है गाइस, सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स ख़त्म होने, मतलब पूरा अगर आप कंप्लीट कर लोगे, इसमें आपको सेल्फ प्लेसमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे उन लोगों का प्लेसमेंट
प्लेसमेंट होता है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो आपको जो नॉलेज मिलेगा गाइस वो बहुत ही खतरनाक नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स का जो इंस्ट्रक्टर है वो है श्रीकांत वर्मा, जो कि अमेजोन का एक अच्छा साइंटिस्ट था, वो उसका बहुत एक्सपीरियंस है। अब वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको उस कोर्स में आपको पूरा शेयर करेगा, और इसका जो केस स्टडीज़ है वो भी अच्छा है। अब ये कोर्स कर सकते हो अगर गाइस आप स्टूडेंट हो एंड आपका मॉनेटरी थोड़ा प्रॉब्लम है, देन अब आपको मैं एक और कोर्सेज का सजेस्ट करूँगा, वो है कि IIT मद्रास का 1/4 लैब का एक कोर्स है, जो जिसका इंस्ट्रक्टर है मितेश सर, मितेश खपड़ा उसका नेम है, और ये कोर्स आप गूवी में मिल जाएगा। और गाइस ये सारे जितना कोर्सेज लिंक्स सारे जितना बात किया मैंने सब कुछ मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नीचे, आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको मैंने दोनों कोर्स के बारे में बताया, एक है थोड़ा हाई बजट कोर्स जो कि कोर्सेरा का है और अप्लाइड AI का है, कोई भी दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा प्रॉब्लम है देन आप ये 1/4 लैब वाला कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स का प्राइस है 5,000, और सबसे अच्छा बात है अगर आप स्टूडेंट हो देन आपको 1,000 भी ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको गूवी में मिल जाएगा, इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा। तो ये है आपका 4th स्टेप। और गाइस 5th जो स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप ये सारे कोर्स ख़त्म होने के बाद या कोर्स करने से टाइम पे आप रिसर्च पेपर पढ़ना आपका हैबिट कर लो, क्योंकि गाइस जो मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे रिसर्च पेपर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। प्रोजेक्ट बनाओगे वो भी आप पेपर पे लिख सकते हो, इसके लिए आपको पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर पढ़ने से आपका बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा सारे, ये आपको करना चाहिए। और इसके बाद जो 5th जो स्टेप है वो स्टेप है कि आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, ताकि आपका जो मशीन लर्निंग का जो लॉजिक या मतलब कंसेप्ट, डीप लर्निंग का जो लॉजिक कंसेप्ट, ये सारे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप गाइस ये प्रोजेक्ट के ज़रिए आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको पूरा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि और कैसे कैसे काम ये प्रैक्टिकली होता है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है, बहुत जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे आपको उतना एक्सपीरियंस होगा। तो दैट्स इट गाइस, ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो कर लिया देन आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और उसके साथ साथ आपका करियर पूरा ML पे फोकस कर सकते हो, और अच्छा खासा नौकरी भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये सारे पांचों स्टेप आप फॉलो किया तो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैं आपका कुछ भी हेल्प कर पाया इस वीडियो से देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक से मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, और इससे और आगे में जाके मैं ऐसा बहुत सारा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही एक्साइटेड वीडियो में, तो चलिए गुड बाय और स्टे होम स्टे सेफ।